उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक 21 साल के युवक की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने निर्मम हत्या कर दी और इस वारदात के दो दिनों बाद उसने किसी और से शादी रचा ली। पूछताछ में खुद आरोपी संतोष कुमारी ने अपना गुनाह कबूला है, जिसमें उसके चाचा ने भी उसका साथ दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी संतोष कुमारी और उसके चाचा राजा राम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा कि उन्हें बदायूं के अंगोला गांव में एक कुएं में पीड़ित दिनेश का शव मिला। पुलिस और पीड़ित परिवार के मुताबिक दिनेश और संतोष कुमारी के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन लड़की की शादी उसके परिवार वालों ने कहीं और तय कर दी, जिसके बाद दिनेश उसे अपने साथ भगाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसके खिलाफ थी। फिर लड़की और उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि 10 मई को दिनेश को लड़की के गांव बुलाया गया था, जहां गला घोंटकर उसे मार दिया गया और शव को कुएं में फेंक दिया गया। इसके दो दिन बाद आरोपी संतोष कुमारी की शादी हो गई। दिनेश के माता पिता ने 13 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और 18 मई को अपहरण का मामला दर्ज किया गया। जब पुलिस ने संतोष कुमारी और उसके चाचा से पूछताछ की तो उन्होंने अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद FIR में हत्या का आरोप जोड़ा गया।